स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न टू ग्रो मैन योवित कुणाल। दोस्तों आज की जो वीडियो में आप लोग रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप लोगों के लिए। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने यूट्यूब चैनल पर और कॉपीराइट मटेरियल यूज करते हैं। तो यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त एक अपडेट आया है कि आप कैसे जो कॉपीराइटेड आइटम्स हैं अपने वीडियोज में उनको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी मेरी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए बताने के लिए कि आप कैसे कॉपीराइट आइटम्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉपीराइट का मतलब होता है कि कोई भी आइटम है जो किसी ने भी अपना पर्सनलाइज है उसका, उसे आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई मूवी का सॉन्ग हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, कॉपीराइट का वो चीज होते हैं जिन्हें आप लीगली यूज नहीं कर सकते, आप उनकी परमिशन लेके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को रन करते हैं और कोई भी कॉपीराइट आइटम यूज करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। तो इस वीडियो में मेरा आपको बताने का ये रहेगा कि क्या क्या तरीका है, किस किस तरीके से YouTube ने बोला है कि हम लोगों को कॉपीराइट आइटम को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो तरीका है वो है कि हम अगर कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर अगर आप सेक्शन को किसी की आप वीडियो से उठा रहे हो, किसी जगह से उठा रहे हो, तो ऐसा पूरा का पूरा मत डालो। उसके अंदर छोटा सा टाइनी सपोज करो वीडियो क्लिप डाल रहे हो आप, ठीक है, किसी मूवी क्लिप डाल रहे हो तो उसका बहुत छोटा सा एक मतलब बहुत टाइनी सा एक क्लिप डालो उसके अंदर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कोई हंसता हुआ है, किसी ने कोई शेर व शायरी करी है, तो पूरी कंप्लीट वीडियो मटा लो उस पर्टिकुलर वीडियो का, अपने जो वीडियो बना रहे हो पर छोटा सा एक टाइनी आप सेक्शन डाल दो ताकि आप उस अगर ऐसे डालोगे आप तो आपकी वीडियो में कॉपीराइट का जो यूट्यूब की तरह से सेक्शन है वो क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इस वीडियो का यूट्यूब बोलता है कि आप किसी भी जगह से आप कोई भी आइटम उठा सकते हो लेकिन पूरा का पूरा मत उठाओ। किसी सॉन्ग का पर्टिकुलर 15-20 मतलब 2 या 3 सेकंड का आइटम उठा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका 1 मिनट 40 सेकंड लगा दोगे अपनी वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली आपके चैनल पे यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट का स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको यूज करना है अपनी वीडियो के अंदर कॉपीराइट आइटम को उठाना यूज करना चाहते हो तो छोटा सा पार्ट, बहुत टाइनी सा पार्ट आपको लेना है उसके अंदर, ताकि बाद में क्लेम होगी तो आप पता चलता है कि आप में इस बंदे ने पूरी वीडियो में से छोटा सा एक पार्ट लिया है अपनी वीडियो को आगे चलाने के लिए। ठीक है, दूसरा है वीडियो एंड ऑडियो। अगर आप अपनी वीडियो में किसी वीडियो का पार्ट डाल रहे हो तो बहुत ध्यान रखना कि उस वीडियो का और ऑडियो का कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी वीडियो का पार्ट उठाया है और उस वीडियो में आपने उस वीडियो के ऑडियो भी चेंज कर दिया और वीडियो के जो वर्ड्स हैं आपने वो भी चेंज कर दिया। तो इसमें क्या है कि अगर किसी वीडियो का सेक्शन उठाते हो और आपने उसका वो पार्ट चेंज कर दिया, हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट का एक प्रमोशन था और आपने उसका वो चेंज कर दिया, तो इसमें भी यूट्यूब की तरफ से और जिनका कॉपीराइट है उनकी तरफ से आप पे एक स्ट्राइक हो सकता है और आपको चैनल पे भी इस पे प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, है कि चेंज बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर हो सकता है तो हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज करके आप किसी भी जगह से आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन उठा के आप डाल सकते हो। तो बहुत ध्यान रखना, अगर आप कहीं से कॉपीराइट आइटम उठा रहे हो तो अगर हो सके आप बहुत सारे वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर कि जिसमें म्यूजिक चेंज होता है तो आप उनका सेक्शन उठा सकते हो। कोई भी कोई वर्ड है, कोई शेर शायरी कुछ भी है, आपने उसका म्यूजिक चेंज कर दिया, तो अब इस तरीके तीसरा तरीका यह है कि चेंज म्यूजिक बैकग्राउंड, तो उस म्यूजिक बैकग्राउंड से भी आप अपने कॉपीराइट आइटम को अपने चैनल में यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है टेक परमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वीडियो में किसी भी कॉपीराइट आइटम को यूज करना है और बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट आप लेना चाहते हो तो इसका एक तरीका और है कि जिनका कॉपीराइट है आप उससे परमिशन ले सकते हो कि क्या मैं आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकता हूँ। पहला आप बताया मैंने आपको कि छोटा पार्ट लेना है, दूसरा पार्ट यह है कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर सकते हो, तीसरा है कि आप जिनका कॉपीराइट है आप उनसे परमिशन ले सकते हो, परमिशन दी जाती है। आप कोई भी अगर सपोज एक एजुकेशनल आपका चैनल है या उसमें आप कोई सेक्शन उठाना चाहते हो किसी और चैनल का, तो आप उनसे परमिशन ले सकते हो कि क्या मैं आपकी इस वीडियो से पर्टिकुलर सेक्शन ले सकता हूँ। अगर आपको परमिट करते हैं तो डेफिनेटली आप उस कॉपीराइट आइटम को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा वाला, कि आप जब भी किसी भी वीडियो का किसी कहीं से सेक्शन उठाते हो तो बहुत 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 ज़्यादा इस पर फोकस करना कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से जो उठा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी किसी के कॉपीराइट वीडियो में पड़ा हुआ है, कॉपीराइट सेक्शन पड़ा हुआ है, उससे वो जो वीडियो पड़ी हुई है उसका उसकी सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो मैंने देखा था कि किसी ने एक वीडियो में उसका पर्टिकुलर पार्ट बनाया था, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में चैनल एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं बताऊंगा आपको, उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट प्रमोशन कर रखा था,
तो उस पर्टिकुलर पार्ट से उस प्रमोशन का एग्जैक्टली हिट पॉइंट था वो, कि जो पर्टिकुलर सेक्शन था, लेकिन वो उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपनी वीडियो में लाया, जो फनी में उसने निकाल दिया, कि फनी में उसको निकाल के अपनी वीडियो में डाल दिया और वीडियो चल भी गई। तो जब चली तो जब जब वो पार्ट पाया गया कि इस वीडियो से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेंटिमेंट हर्ट हो गए और ये जो 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 एंड यूजर्स हैं उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो यूट्यूब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उस चैनल को बंद करा गया था। तो दोस्तों अगर आपके चैनल पे 3 बार स्ट्राइक हो गई यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट की, चैनल बंद हो जाता है। इसका ध्यान रखना, बहुत 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 ध्यान रखना। कॉपीराइट आइटम यूज़ करने के लिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है। और अगला है कि आप अगर पार्ट को यूज़ कर रहे हो ना, उस पार्ट को यूज़ कर रहे हो, तो उसको जिस पर्टिकुलर वीडियो से उठा रहे हो, अगर आप सपोज कोई किसी यूट्यूबर का पार्ट अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हो, तो उसके बारे में उसको थैंकफुल अभी वीडियो में बता दो कि आपकी मैंने यूज़ करा, और सेम सेम उसका उसका लिंक डाल दो अपनी वीडियो के अंदर कि दिस सेक्शन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, और सेम चीज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैंने आपकी आपकी वीडियो से पर्टिकुलर सेक्शन उठाया है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत तरीके से बता रखा है कि हमारा नाम मत यूज़ करो। आप देखते हो बहुत सारी वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनके बहुत बड़े बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो नए यूट्यूबर्स हैं वो क्या सोचते हैं, यार इनके 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इनके एक 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 घंटे में 50,000 लोगों ने वीडियो देख ली, तो क्यों ना अपनी अपनी वीडियो में इनका नाम डाल दो। तो वो भी एक तरीके से कॉपीराइट होता है किसी भी यूट्यूबर का, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, जो जिनकी तरफ से यूट्यूब का आराम पूरा प्रमोशनल एक्टिविटी चल रही है, किसी भी वीडियो में उनका नाम मत डालो। अगर काउंटर स्ट्राइक हो गई तो 3 काउंटर स्ट्राइक पे यूट्यूब की तरफ से इंस्ट्रक्शन हैं कि 3 स्ट्राइक अगर यूट्यूब ने कॉपीराइट कर दी तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। कितना भी बड़ा चैनल हो कितना छोटा चैनल हो, 3 स्ट्राइक चैनल बंद, ठीक है। और इसके बाद है कि गिव क्रेडिट टू द कॉपीराइट होल्डर। अगर आप किसी भी वीडियो का कोई पार्ट यूज कर रहे हो अपनी अपनी वीडियो बनाने के लिए, प्लीज 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 उस जिस वीडियो से ले रहे हो उसका क्रेडिट दे दो उनको कि जी आई एम सो थैंकफुल कि मैं वीडियो उनकी उनका एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने अपनी वीडियो में यूज करा है। इन केस अगर कॉपीराइट होता है, अगर क्लेम होता है, तो उसमें आपको आपने ऑलरेडी वीडियो में उनको थैंकफुल बता रखा है, थैंक दे दिया है कि मैंने उनकी वीडियो से ये पर्टिकुलर पार्ट उठाया है। तो इसमें आपको यूट्यूब की तरफ से और जो यूट्यूबर जो भी हैं जिनकी वीडियो में आप यूज़ कर रहे हो उनकी तरफ से आपको एक छोटा सा कह सकते हैं यूट्यूब की तरफ से आपको एक एज मिल जाएगी कि मैंने उनका वीडियो लिया था लेकिन मैंने अपनी वीडियो में उनको थैंकफुली उनको रेस्पेक्टफुली बता दिया है कि मैंने ये सेक्शन उनकी वीडियो से उठाया है। तो जो यूज़र एंड यूज़र आपकी वीडियो को देख रहा है तो आपने उसको बताया कि भाई ये मैंने पर्टिकुलर पार्ट उनकी वीडियो से उठाया है। जैसे सपोज करो मैं अपनी वीडियो में किसी भी एक यूट्यूबर का डालता हूँ कि मैंने ये सीखा है, तो मैं अपनी वीडियो में उनका नाम डाल सकता हूँ कि मैंने ये सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको ये मैंने उनसे सीखा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी अपने वीडियोज में उनका नाम ले सकते हो, लेकिन उसका ध्यान रखना जो भी आप वीडियो का अपना यूज़ करोगे, अपना थंबनेल बनाओगे या वीडियो का आप नाम डालोगे अपनी वीडियो के अंदर, अपने थंबनेल पे किसी भी बड़े यूट्यूबर का कोई यूट्यूबर का नाम मत डालना। चैनल स्ट्राइक में आपका स्ट्राइक में फंस जाएगा चैनल, बड़ी दिक्कतें आएंगी। और एक बार हो गया कुछ नहीं होता, अगर एक बार चैनल स्ट्राइक पर पड़ गया तो भैया कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद यह है कि से थैंक यू लास्ट में है कि आप जिसकी भी वीडियो यूज़ कर रहे हो थैंक यू जरूर बोलना उसका, और जो भी जिसकी वीडियो आप ले रहे हो उनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा बताना कि जी मैंने सपोज गाना यूज़ करा है अपनी वीडियो के अंदर, तो मैंने गाना किस मूवी का है, ठीक है, और डिस्क्लेमर के अंदर पूरा डाल देना कि सो एंड सो सॉन्ग हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट वीडियो, थैंकफुल ऑल्सो क्रेडिट ऑल्सो। तो सारा का सारा आप उसमें सेक्शन बता देना डिस्क्रिप्शन के अंदर कि जी मैं सारा का सारा माध्यम उठा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके चैनल पे एक स्ट्राइक डाउन जैसे बोलते हैं यूट्यूब की तरह से वो नहीं होगी। तो दोस्तों ये 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है कॉपीराइट होते हुए, क्योंकि आज के जो जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो इस बात की एक बात बहुत बात होता है हमको नॉलेज नहीं होती, हमको जो अच्छा लगा डाल दिया। लेकिन जब हम यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं तो हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम थोड़ी सी जानकारी ले लें, काम करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि मैं काम क्या करने वाला हूँ। ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से आपकी मेहनत खराब हो जाए, ठीक है ना। तो आपको 9 पॉइंट बताए, 9 पॉइंटों को बहुत ध्यान से रखना, या फिर रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको कि छोटा सा पार्ट लेना है किसी वीडियो का, एंटायर पार्ट नहीं लेना। दूसरा, वीडियो का बैकग्राउंड और ऑडियो आप चेंज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तीसरा, बैकग्राउंड म्यूजिक जो चेंज करोगे उससे सेंटिमेंट उस वीडियो का प्रॉपर मोटो चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट हो गया कि परमिशन आप कॉपीराइट होल्डर से ले सकते हो, तो आप वीडियो अपनी वीडियो में डाल सकते हो। तीसरा,
कि कॉपीराइट स्ट्राइक अगर 3 बार होता है यूट्यूब की तरफ से तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना कि किसी जो अभी यूज कर रहे हो अगर 3 स्ट्राइक यूट्यूब ने चैनल डाले तो भैया टाटा बाय बाय, कुछ नहीं होने का उसके बाद, डिलीट हो गया हो गया। किसी भी वीडियो से आप किसी सेक्शन से पार्ट उठा रहे हो तो उससे उस पर्टिकुलर वीडियो का सेंटीमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए। उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट की एक एक आप कोई चीज़ उठा रहे हो अपने सेक्शन में डाल रहे हो तो उसका जो मेन मोटो है वो खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना उसमें। और अगर पार्ट यूज कर रहे हो तो उस पार्ट में उस वीडियो के बारे में बताना कि मैंने सो पार्ट उस वीडियो से उठाया है, और क्रेडिट जोड़ देना जिस भी यूट्यूबर किसी की भी आप वीडियो यूज़ कर रहे हो, किसी का नाम यूज़ करो फॉर एग्जांपल, तो उनको क्रेडिट जोड़ देना कि मैंने सो एंड सो चीज़ उनसे सीखी है। ऐसा नहीं वो बनाना कि आप किसी भी यूट्यूबर का नाम, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस वीडियो में किसी भी यूट्यूबर का नाम से ये अपना वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया तो हो सकता है लोग देख लें, लेकिन जब इसकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे मेन यूट्यूबर हैं उनके पास पहुँचेगी तो मेरे चैनल पर चैनल यूट्यूब स्ट्राइक पड़ सकती है, जिसकी वजह से मेरे चैनल में प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो दोस्तों इन पॉइंटों को ध्यान रखना, बहुत जल्दी मैं बहुत ज़बरदस्त अपडेट अप लेके आऊँगा यूट्यूब के, यूट्यूब ने नया आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। तो ये 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें आप बहुत फोर्सफुली बहुत सोच समझ के इन पर काम करना, और काम करने का अपने चैनल पे आप इस तरीके से कॉपीराइट आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है जो बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मेरे को आगे ग्रो होने में। और आज की वीडियो में यही था आप लोगों के लिए, थैंक यू।